सो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिल गुप्ता और आपका स्वागत है एक और नई GTA 5 की वीडियो में। सो इसमें हम आपको दिखाएंगे, हमें सलमान भाई ने एक नया बिजनेस गिफ्ट किया है, एक ज्वेलरी शॉप गिफ्ट करी है। उसमें हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस ज्वेलरी शॉप को अपना ज्वेलरी शॉप बनाएंगे, अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे। सो सलमान भाई अपने भारी आने वाले अपने घर के बाहर, वो मेरी जो बुगाटी है वो ले गए थे लास्ट व्लॉग में, जैसे कि आपने उनके व्लॉग में देखा होगा जो उन्होंने व्लॉग बनाया था। आप तो मेरे चैनल पर अलग से सलमान भाई की वीडियोस मिलती है। मैंने अब अलग से सीरीज स्टार्ट कर दी है अपनी फ्रैंकलिन की और एक सलमान भाई की। तो जैसे कि आपने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में, सलमान भाई वाली लास्ट वीडियो में, उन्होंने एक नया घर खरीद लिया टॉप हिल पे और मेरी बुगाटी ले गए थे वो यहाँ से। तो अब उन्होंने मुझे कहा है, ये इतना बढ़िया घर दिलाया तो मैं अब तुझे एक बिजनेस दिलाता हूँ और मैं गिफ्ट कर रहा हूँ वो अपने पैसों से तुझे। सो अब उन्होंने मुझे गिफ्ट बिजनेस गिफ्ट किया तो मुझे भी उनको कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा। सो मैं सोच रहा हूँ उनको कोई गाड़ी गिफ्ट कर देते, अगले वीडियो में दिखाते हैं आपको क्या गिफ्ट करेंगे। और जैसे ही मुझे अभी सलमान भाई का फोन आया, वो घर के बाहर आ चुके हैं और बाहर ही खड़े हैं वो। तो देखो वो खड़े हैं अपने सलमान भाई, देखो ये खड़े हैं, मतलब ये सलमान भाई भी ऐसे हैं, बिल्कुल नंगे ही रहते हैं हर बार, कोई इनको वो नहीं है। तो देखो ये अपने सलमान भाई है, एक बार इनको अपना घर के अंदर ले जाते हैं, इनको घर दिखाते हैं हमारा घर कैसा है, क्योंकि पिछली बार भी कह रहे थे मैंने तेरा घर नहीं देखा, एक बार हम मुझे घर दिखा दे तू। तो एक बार हम घर दिखा देते हैं इनको। सही आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, आ जाओ सलमान भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ी जल्दी आओ सलमान भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ओके तो देखो सलमान भाई ये अपना कुछ घर है, यहाँ पे रेड कलर का मैंने इंटीरियर करा रखा है, ज़्यादातर ज़्यादातर मेरा सारा रेड कलर का इंटीरियर है, पर मैं अपग्रेड करने ही सोच रहा हूँ, कुछ रिनोवेट करने ही सोच रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अपना ये छोटा सा घर है बिल्कुल, तो देखो, और यहाँ पे मेरा एक स्नूकर टेबल है, नीचे स्विमिंग पूल है और वहाँ पे मेरा चौप रहता है आगे ही। तो बस यही छोटा सा घर है, आपसे तो बहुत ही छोटा है मेरा घर, तो कुछ नहीं होता इतने में। सो आज हम चलते हैं, हम आज अपनी बुगाटी तो ये अपने पास ही ले गए हैं, इनका कोई ड्राइवर था वो ले गया। तो मैंने सोचा अभी तो जब तक ये अपनी इनकी सारी गाड़ी शिफ्ट नहीं होती लॉस एंजेलिस में, तो मैं इनको दे देता हूँ अपनी बुगाटी। तो मैं सोच रहा हूँ आज हम चलते हैं अपनी रेड फरारी में चलते हैं, तो हम रेड फरारी में चलते हैं। आ जाओ सलमान भाई बैठ जाओ गाड़ी में, तो सलमान भाई आके बैठ जाओ गाड़ी में, हम चलते हैं फिर। ओके आप बैठ जाओ, तो हम आपके जो आपने नया बिजनेस दिखाया था तो हम उस पर चलते हैं एक बार। तो देखो अपने सलमान भाई तो बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो एक बार मार्क लगा लेते तो जो इन्होंने मुझे नया बिजनेस गिफ्ट किया है, तो वो यहाँ पे कही है, आई थिंक ये वाला है या ये वाला है, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता अभी, क्योंकि मैं अब तक गया नहीं उस वाले बिजनेस पे, तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं है उसकी। सो चलो चलते हैं हम उस बिजनेस पे, तो वहाँ से देखते हैं हम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ जाके वीडियो को अभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना। आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ग्लीचेज हो रहे हैं जिसकी वजह से वीडियोज़ आपको नहीं मिल पाती, आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा देर में नोटिफिकेशन भेजता है, सो इसलिए मैं कहता हूँ बेल नोटिफिकेशन आप दबा दो। सो मैं सोच रहा हूँ सलमान भाई को कोई गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, मुझे आप कमेंट्स में बता दो कौन सी गाड़ी गिफ्ट करूँ। मेरे दिमाग में रेंज रोवर वेलार है इनको गिफ्ट करने के लिए, जो हमने लास्ट थोड़े दिन पहले चुराई थी, क्या हुआ, क्या उनको मारने भाग गए क्या। बैठ जाओ यार, ओके बैठ जाओ बैठ जाओ, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, ये उतर क्यों गए थे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उतर गए थे ये। चलो कोई नहीं, हम पहुंच ही गए हैं बस यहीं पे, यही है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे अंदर हमें पार्किंग में जाना पड़ेगा, आगे से ले लेते कोई नहीं, हम इस तरफ से ले लेते, हम आगे से आ गए थे, हम यहीं पे लगा देते अपनी गाड़ी पार्किंग में। फिर सलमान लगता है सलमान भाई को ज़्यादा जल्दी उतरने की, चलो कोई नहीं सलमान भाई आपने ही तो कराया, चलो आ जाओ। चलो हम उतर चुके हैं, अब चलते हैं अपने ज्वेलरी शॉप की तरफ। तो सलमान भाई अपने साथ आ ही रहे हैं, क्या हुआ फ्रैंकलिन अब तुझे, तो आ जा आ जा।
तो हम चल रहे हैं बस यहाँ से। तो देखो अपने भाई भी आ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आ गए है एक स्टोर, ज्वेलरी स्टोर है। आई थिंक उसका नाम कोई जैसे था शायद, हमने उसमें चोरी भी करी थी पर इन्होंने खरीद के वही सेम स्टोर दे दिया हमें। तो मतलब आप ये देखो, इन्होंने हमें सेम स्टोर दे दिया। ओके तो ये वाला स्टोर है वेंगेलियो। तो यहाँ पे पहले से भीड़ है बाहर, तो अंदर तो अभी कोई भी भीड़ नहीं पाएगी क्योंकि अंदर अभी रिनोवेशन वगैरह चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रिनोवेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाया, तो पूरी हमारे पास कलेक्शन है एक्सक्लूसिव, सारी एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको ज्वेलरी चाहिए अपनी मदर सिस्टर या किसी के लिए भी, तो मेरे पास कॉन्टेक्ट करना जरूरी। सलमान भाई कहाँ पे रह गए? हेलो सलमान भाई। ओके तो यहाँ पे थे, अंदर आ गए थे पर मुझे दिख नहीं रहे थे। ओके अब आ गए। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं और एक जो वो होता है ना सारे बैग वगैरह से, मतलब सारे टैग सारे बिलिंग वगैरह देखना, वो बैठेगा। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड के लिए कैमरे और इंटरनेट लगा रखा है। यहाँ पे पूरी कबर्ड है सारे बिलिंग वगैरह की। तो ये अपने सलमान भाई कहाँ गए फिर से? ओके ये रे। तो आप मुझे कमेंट से बता दो आपको ज्वेलरी स्टोर कैसा लगा। तो यहाँ पे अभी दरवाजा है यहाँ पे, इसकी मुझे अभी की नहीं मिली। इसका पास है तो मुझे इसकी अभी तक की नहीं मिली, तो जिस वजह से मैं इसको खोल के आपको दिखा नहीं पा रहा। सो बस यही कुछ अपना स्टोर था। बस चलते हैं अब कहीं और चलते हैं, और सलमान भाई को लेके देखते हैं अपने घर चलते हैं, महकले घर चलते हैं, किसी घर पे चलते हैं। तो आज सलमान भाई आ रहे हो ना, थोड़ा स्लो चल रहे हो सलमान भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। आ जाओ। ओके थोड़ा जल्दी आओ सलमान भाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी आ जाओ सलमान भाई। सलमान भाई एक्चुअली बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से वो धीरे चलते हैं। मतलब इनकी बॉडी बिल्डिंग देखो, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अपनी बॉडी करने की, बॉडी बढ़ाने की। तो आप मुझे बता देना कैसा आइडिया है। तो इनके साथ हैंडशेक तो कर ही लेते हैं एक बार, हमने हैंडशेक नहीं करा अब तक। तो देखो हमने हैंडशेक कर लिया अपने भाई से, तो बस यही कुछ था। तो हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। भाई साहब कौन ठोक गया अपनी गाड़ी? तो मैं सलमान भाई को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं मुझे यहीं पे छोड़ दे, मेरा ड्राइवर आ रहा है तो मुझे कहीं जाना है। तो मैं सलमान भाई को यहीं पे छोड़ देता हूँ। सो बस हम चलते हैं अपने घर की तरफ। एक बार मैं मार्क लगा लेता हूँ अपने घर पे। तो मेरा घर था यहाँ पे, तो मैंने मार्क लगा लिया घर पे। ओके तो हम चलते हैं। तो ओके आई थिंक सलमान भाई का अब तक ड्राइवर नहीं आया, वो यहीं पे खड़े हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई नहीं, उन्होंने मुझे कहा ड्राइवर आ जाएगा, तो चिंता मत कर, तो निकल अपने घर की तरफ। तो कोई नहीं हम तो निकलते हैं, जब उन्होंने कहा है तो चिंता मत कर, हमें क्या हेडेक फिर उसकी जब उन्होंने मुझे कह दिया। तो बस हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। मुझे आप कमेंट्स में बता दो अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाओ, जो भी आप बताते हो मैं उसी पे वीडियोस बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, साथ ही कमेंट भी करते हो कि किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, मुझे बताते रहे करो आप कमेंट्स में। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आगे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो एज ऑलवेज हैशटैग गीकीसेस।